ईयर 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना को आज कल्ट कॉमेडी कहा जाता है। जब भी ये फिल्म टीवी पर आती है उस चैनल की टीआरपी टॉप पर आ जाती है। टीवी पे हिट लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। जी हाँ, जब अंदाज अपना अपना 1994 नवंबर में रिलीज हुई थी तब ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। तो आज कब क्यों और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब अंदाज अपना अपना फिल्म की प्लानिंग हुई, क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई और कैसे ये फिल्म बनी बॉलीवुड की कल्ट कॉमेडी। अंदाज अपना अपना की जब प्लानिंग चल रही थी तो वो प्लानिंग देखकर लग रहा था कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। और लगता क्यों नहीं ऐसा, इस फिल्म को बनाने के लिए हिट फिल्म बनाने का हर एक फॉर्मूला यूज किया जा रहा था। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उस टाइम के सुपर हिट डायरेक्टर जिन्होंने घायल और दामिनी जैसी सुपर हिट फिल्में दी थी, यानी कि राजकुमार संतोषी। इस फिल्म में एक्ट करने वाले थे सुपर स्टार आमिर खान और सलमान खान। आमिर खान ने तब दिल और कयामत से कयामत तक जैसी में की थी और सलमान खान की मैंने प्यार किया हिट हुई ही थी। इस फिल्म में एक्ट कर रही थी रवीना टंडन जिसकी फिल्म पत्थर के फूल हिट हुई थी। साथ ही इस फिल्म में थी बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली की डॉटर यानी कि करिश्मा कपूर। ये डॉक्टर है? डॉक्टर प्रेम खुराना इस धंधे में बहुत पुराना। ये डॉक्टर है, कारपेंटर। कारपेंटर मेरा बाप था। यानी कि बड़ा डायरेक्टर, बड़े एक्टर्स जगदीप और महमूद जैसे लेजेंडरी एक्टर्स, साथ ही गोविंदा और जूही चावला की गेस्ट अपेयरेंस, परेश रावल एस तेजा, शक्ति कपूर एस क्राइम मास्टर गोगो, रॉबर्ट और भल्ला जैसे दमदार कैरेक्टर्स इस फिल्म में थे। एक बार जाकर तू उसे फंसा ले जैसे मैंने तुझे फंसाया है। क्या बनाया है? हीरो बनाया हीरो। 1991 में अंदाज अपना अपना की अनाउंसमेंट हुई और जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई तभी से ये फिल्म सुर्खियों में थी इसके एक्टर्स डायरेक्टर्स को लेकर। साथ ही इस फिल्म के मुहूर्त क्लैप पे आए थे धर्मेंद्र और सचिन तेंदुलकर। इस फिल्म को बनने में पूरे 3 साल लगे, यही सबसे पहला कारण है इस फिल्म के फ्लॉप होने का। अरे वाह, मतलब जैसे दो शिकारी एक तीर मारते हैं। शट अप रॉबर्ट, इसे कहते हैं दो तीर से एक शिकार। इस फिल्म की शूटिंग 91 से स्टार्ट हो गई थी लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई 94 में और यही है इसके फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण। कहा जाता है कि इस फिल्म को शूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। इसका कारण है इस फिल्म के सुपरस्टार सलमान, आमिर, करिश्मा और रवीना। सलमान और आमिर में स्क्रीन टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहते थे क्योंकि दोनों ही बड़े सुपरस्टार थे। फाइनली डायरेक्टर के समझाने पर ये दोनों बराबर स्क्रीन टाइम शेयर करने पर अग्री हुए। अरे यार, दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? साथ ही अगर बात करें रवीना और करिश्मा की तो दोनों ही उस टाइम की सुपर हिट एक्ट्रेसेस थी, इसीलिए इन दोनों में अपनी अपनी ईगो थी और दोनों ने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से कभी भी बात नहीं की। ये है करिश्मा, मेरी सेक्रेटरी कम फ्रेंड कम एडवाइसर कम अटेंडेंट। इस बात का खुलासा रवीना टंडन ने रिसेंटली एक ट्वीट करके भी कहा था कि इस फिल्म पे कोई भी एक्टर किसी से भी बात नहीं करते थे, फिर भी इस फिल्म की शूटिंग पता नहीं कैसे कंप्लीट हुई। आमिर और सलमान में सेट पर लेट आने को लेकर भी बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाते हैं, जब वो कुछ काम करते हैं तो उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। वहीं सलमान खान का एटीट्यूड कहा जाता है कि थोड़ा सा कैजुअल रहता था और वो सेट पर हमेशा लेट आते थे। इसी कारण आमिर और सलमान के जो साथ के सीन्स थे उन्हें शूट करने में टाइम लग जाता था। यही कारण था कि आमिर खान ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म के बाद वो सलमान के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। थोपड़ा देगा अपना, ये चवन्नी की टोपी पहन के पता है क्या लग रहा है, साला बंदर के सर पे तरबूज तरबूज तरबूज। ईयर 1993 में अंदाज अपना अपना करीब करीब पूरी हो चुकी थी। इस फिल्म का सिर्फ एक शूट स्केड्यूल और बाकी था और इस एक शूट स्केड्यूल को होने में 12 महीने लग गए। कहा जाता है कि इस फिल्म के स्टार्स में इतनी ज्यादा ईगो थी कि कोई भी एक टेबल पर बैठकर आमने सामने बैठकर समझौता करने को तैयार ही नहीं था। सबको एक दूसरे से इनसिक्योरिटीज थी, आपस में ईगो क्लैशेस थे। इसी कारण टलते 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 एक साल में ये लास्ट स्केड्यूल कंप्लीट हुआ और इसके बाद ये फिल्म पूरी हुई। यही कारण है कि इस फिल्म को 3 साल लग गए बनने में। क्राइम मास्टर गो गो, आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा गोटी। हैंड्स अप, हैंड्स अप का मतलब हाथ ऊपर, हैंड्स अप। ऊपर ही तो थे। फिल्म में एक सीन है जहां पर सलमान खान की एक ही सीन में 3 बार हेयर स्टाइल चेंज हुई है।
1993 में अंदाज अपना अपना के ऑडियो ट्रैक्स भी रिलीज हो गए थे, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक थोड़ा सा अनफेमिलियर था, थोड़ा सा अनकॉमन था, इसीलिए लोगों को ये म्यूजिक ज्यादा पसंद नहीं आया। ये था दूसरा कारण इस फिल्म के फ्लॉप होने का। साथ ही इस फिल्म की रिलीज डेट जब अनाउंस हो गई थी, तब तक भी डिस्ट्रीब्यूटर्स श्योर नहीं थे कि जो रिलीज डेट है उस दिन उन्हें फिल्म के प्रिंट्स मिलेंगे या नहीं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म की जरा भी पब्लिसिटी नहीं की। इस फिल्म के पोस्टर्स तक नहीं छपवाए गए। डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए सिर्फ 3 दिन मिले थे। एंड टाइम तक भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता नहीं था कि ये फिल्म उन्हें टाइम पर मिलेगी या नहीं। ये था तीसरा कारण अंदाज अपना अपना के फ्लॉप होने का। और ताजुब की बात तो ये है कि इसी साल सलमान खान की हम आपके हैं कौन, करिश्मा कपूर की राजा बाबू और गोपी किशन, साथ ही रवीना की लाडला और मोहरा इसी साल सुपर डुपर हिट रही। सिर्फ अंदाज अपना अपना ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली, लेकिन इसे टीवी की सबसे बड़ी हिट फिल्म कहा जा सकता है और आज इसे सब कल्ट कॉमेडी कहते हैं। तो ये थी अंदाज अपना अपना के फ्लॉप होने की स्टोरी। आज के लिए कब क्यों और कैसे में बस इतना ही। फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना को।